उत्तरकाशी में टनल हादसे में रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं इस पर सचिव आपदा रणजीत सिंह ने बताया कि टनल में प्लान ए, बी और सी तीनों पर काम शुरू कर दिया गया है। पाइप बिछाने का काम सुबह से शुरू है। आगर ड्रिलिंग मशीन इंस्टॉल कर दी गई है। 20 से 25 घंटे का वक्त अभी और लगेगा। उन्होंने श्रमिकों के परिजनों से अपील की है कि धैर्य बनाए रखें, सरकार सभी को सुरक्षित निकाल लेगी। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है प्लान ए, अभी प्लान ये तो है कि लोगों को खाना पानी, कम्युनिकेशन, ऑक्सीजन, वो हम ये करते हैं, तो ये है कि सबको सुरक्षित अंदर है वो सुनिश्चित करें। प्लान बी ये है कि आपका जो मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है वो हटाते रहें जितना हटा सकते हैं, अगर उससे हो जाता तो बहुत बढ़िया। वही टनल हादसे को लेकर अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आरोप लगाया कि टनल में काम में लापरवाही हो रही थी। काम के दौरान जो ह्यूम पाइप सुरंग में लगाए जाने थे वो नहीं लगाए गए, जिसके कारण मजदूरों को निकाला नहीं जा सका। हो गए कि आपको लगता है कि सबक नहीं लिया गया है, जिस तरीके से रैणी में जो घटना घटी थी उसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी जी निश्चित ही रेहड़ी की घटना में आपने देखा कि किस तरीके से हिलजुल हुई, और जब बॉडीज प्राप्त हुई तो उसमें से कुछ एक बॉडी ऐसी थी जो 8 या 10 घंटे पहले ही जिनकी मृत्यु हुई थी। अगर उसको हम 2-3 दिन पहले अगर हम डिस्क्लोज कर दे खोल लेते तो वो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। और लगातार आप, चाहे वो मीडिया है, चाहे मैं हूँ, चाहे अन्य लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, वो लगातार अनकंट्रोल ब्लास्टिंग को लेकर मुखर रहे हैं। आप देख रहे हो मेरे जितने इंटरव्यूज आपने लिए हैं, मैं पिछले 1-1.5 साल से अनकंट्रोल ब्लास्टिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये टनल्स की सुविधा दी गई तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो रूल्स हैं दिल्ली से, उसमें साफ साफ है कि कंट्रोल ब्लास्टिंग ही पर्वतीय क्षेत्र में, खासकर हमारा जो हिमालय है नया है, इस क्षेत्र में कंट्रोल ब्लास्टिंग के माध्यम से ही ये काम होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके नियमों का की अनदेखी की जा रही है, अनकंट्रोल ब्लास्टिंग हो रही है, पूरी तरीके से पहाड़ हिल रहे हैं, जिससे जोशीमठ का हाल ये हो गया। उसके अलावा आपने देखा होगा उत्तरकाशी, उसके अलावा कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें भूदशा हुआ है, मकानों को खतरा बना है, और अभी ये नई घटना घटी है। इनके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जिसके माध्यम से ये जल्दी से जल्दी ड्रिलिंग करके अंदर तक जा सके, लोगों की जान बचा सके, और जो ये आधुनिक गौर हो कि उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन टनल धंसने से विभिन्न राज्यों के 40 मजदूर फंसे हुए हैं। 72 घंटों से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक टनल में फंसे मजदूरों को नहीं निकाला जा रहा है। मजदूरों को निकालने के लिए सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए हरिद्वार जिले के बहादुराबाद से 900 mm के पाइप भी रेस्क्यू साइट में पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने रेस्क्यू अभियान पर सवाल उठाए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष नमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।